हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लेटन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, एडकट एडवाल जो प्लान है कंपनी जैसे जैसे कमेंट पे रखा है, जो एक तरीके से इसमें एड्स स्टार्ट हो जाएगा ऐसे कंपनी कमेंट पे रख दिया। ठीक है, तो आज ठीक से रात 12:15 में इसमें वर्क भी स्टार्ट हो गया, एड्स वर्क स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड, इसमें कैसे क्लियरली आप लोग एड्स कर सकते हैं, तो फ्रेंड मेरा वीडियो पहले से लास्ट तक फुल देख लीजिए, और मेरा वीडियो देखने के बाद मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर, और इसका साथ साथ वीडियो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि एडकट वॉल का बारे में जो भी न्यू अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड, कैसे एडकट वॉल में आप लोग एडसिन कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को जाना होगा क्रोम बाजार का जरिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्रोम बाजार को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने का इसमें आपको सर्च करना है AARTWORLD @edwall.com। ये देखिए, ये सो ऐसे आपको सर्च करना है, कोई मिस्टेक कर दिया दूर साइड में चला जाएगा। AARTWORLD.com ये लिख के आपको पहले सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद इसमें जो देख रहे हैं तीन ऑप्शन, ज्वाइन लॉग इन, ज्वाइन अस और शॉपिंग चैनल, तो आपको लॉग इन में क्लिक करना है। जो मेंबर अकाउंट कर चुका है इसमें लॉग इन में क्लिक करना है, और जो मेंबर अकाउंट बना नहीं उसको ज्वाइन आस में क्लिक करके अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको लॉग इन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली मेरा यूज़र आईडी, इसमें जो यूज़र आईडी होती है वो मेरा मोबाइल नंबर होती है, और पासवर्ड आप अकाउंट बनाना, जो पासवर्ड फर्स्ट में कंपनी तरफ से देता है, और इसके बाद आप प्रोफाइल में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैं तो पासवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो मोबाइल नंबर से अकाउंट के मोबाइल नंबर दे दिया, और इसके बाद मेरा पासवर्ड दे के इसको लॉगिन कर रहा है। ठीक है, और देखिए मेरा लॉगिन हो गया। तो मैं पहले टास्क कंप्लीट कर चुका है, तो इसमें मैं जा रहा हूँ, ये जो तीन लाइन देख रहे हैं उसमें क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसमें मैं पहला जा रहा है डैशबोर्ड में, क्लिक करके डैशबोर्ड को ओपन कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो इसमें मेरा ऐप स्टेटस पेंडिंग देख रहा है। तो इसमें जो आप लोग बैलेंस देख रहे हैं, मेरा जो बैलेंस है ये डाउनलोड में आ गया, तो अभी तक मैं एड सीन नहीं किया। तो एड सीन कैसे करना है, तो फिर इसी लाइन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए एड डिटेल्स, इसमें आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सी टैक्स, इसमें आप लोग क्लिक करना है, और सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग एड सीन इस महीने में कितना काम आया है तो उसको आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो आप लोग को फर्स्ट ऑप्शन में एड सीन टैक्स पर क्लिक करना है, फर्स्ट टास्क में। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, मैं दो एड सीन कर चुका है ऑलरेडी, तो इसके बाद मैं तीसरा जो ऐड है उसमें क्लिक कर रहा है। ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरा पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, पॉपअप को इसमें देखिए मेरा पॉपअप अलाउ करना होगा, जो मेंबर पॉपअप अलाउ नहीं किया उसको पॉपअप ऐसे करके अलाउ करना होगा। तो मैं अलाउ शो कर देता हूँ, बहुत सारे मेंबर के ऐसे करके अलाउ नहीं आ सकता है। तो नहीं आया तो आपको क्या करना है, इसमें जो तीन डॉट दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट चला जाना सेटिंग, सेटिंग के बाद साइज सेटिंग के बाद ये जो देख रहे हैं पॉपअप्स, इसको आपको ऑन करना है। मैं ऑन कर दिया, इसके बाद बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद देखिए क्लिक हेयर, तो फ्रेंड पहले आपको पॉपअप का अलाउ कर देना होगा, तो इसके बाद ही एडसिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐप नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड, मेरा एड चल रहा है, तो इसमें थोड़ा वेट करना है। ठीक है, तुरंत बैक मत जाना, थोड़ा इसको देखना है, ये आपको सोए से वर्क करना है, कोई गलती मत करना फ्रेंड। ठीक है, इसमें आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। तो फ्रेंड, वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली बैक आ जाता है, तो आपको बैक करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक बैक हो जाता है। तो मेरा ये क्लिक कर दिया, क्लिक करने का इसको एक बार रिफ्रेश करता है, तो इसको थोड़ा नीचे दबा कर। ठीक है, तो कंटिन्यू देख मैं क्लिक करना, तो फ्रेंड मेरा ये एड सीन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये जो सीन देख रहे हैं सीन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में क्लिक करना है, जो चार नंबर जो ट्रैक से क्लिक किया इसमें क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा ऐड आ गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना, इसको देखते रहना, ये ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा। ठीक है, आपको बैक करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली फ्रेंड बैक हो जाएगा, थोड़ा वेट करना है।
फ्रेंड देखिए ऑटोमेटिकली बैक आ गया। इसके बाद मैं क्लिक किया, इसमें क्लिक कर रहा है पांच नंबर जो ट्रैक्स है, ऐसे करके सभी ट्रैक आपको कम्प्लीट करना है। ठीक है, इसमें बैक मत करना, सिर्फ क्लिक हेयर में क्लिक करना और थोड़ा वेट करना, ये ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं दो एड सिंक करके आप लोग को देखा रहा है, और बाकी ऐप कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से वीडियो ओपन करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो देखिए मैं ऐप देख रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली बैक हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड ये अभी तक क्लिक हेयर हेयर ही देख रहा है, तो इसको क्या करना है तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो फ्रेंड देखिए इसमें मेरा एड्स सीन देख रहा है, ये जैसे कि इसमें एड सीन हो गया और इसको भी एड सीन हो गया और वो भी मैं कर दिया। ठीक है, तो आप लोग सभी एक ही देख रहे हैं, क्लिक हेयर ये एड सीन करने के बगैर तो भी इसमें क्लिक हेयर देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग कैसे सीन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सीन आने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो तीन लाइन देख रहे हैं, ठीक है, आपको तीन लाइन में क्लिक करना है। ऊपर में जैसे जैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे आप लोग करना है, ये आपको सही वर्क होगा और नहीं तो आपको ये फेक वर्क होगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड में क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो जैसे कि मेरा अभी तक पेंडिंग है, जैसे कि मेरा एड सीन कम्प्लीट अभी तक नहीं हुआ, तो देखिए फिर से जो भी इसमें क्लिक कर दें और इसके बाद ट्रैक्स डिटेल्स सी ट्रैक्स, तो देखिए कितना एड सीन हो गया इसमें दोबारा आ जाएगा भाई। तो देखिए जो एड सीन हो गया इसमें दिखा रहे, ठीक है, जिसकी मेरा ऐड जो जो सीन किया है मैं उसको ये दोबारा होम पेज में जाने के बाद फिर इसमें इसमें आने के बाद मुझे देख रहा है कौन का कौन कौन ऐड मैं सीन किया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं बाकी जो ऐड है वो ऐड सीन करने के बाद मैं आप लोगों को फिर से वीडियो ओपन करूँगा। तो फ्रेंड देखिए ये मैं ऑलरेडी 16 ऐड सीन कर चुका है और दो ऐड बाकी है, तो 16 नंबर जो ऐड है उस पर मैं क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपको बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करना है, इसमें ऐड को देखना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको ऐड देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड ये बैक जाने के बाद भी इसमें सीन नहीं आएगा, तो सीन आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डैशबोर्ड में जाना होगा, जाने के बाद फिर से आप लोग सीन में एड सीन जो पेज है वो पेज में आना है, तो आपको इसमें देख सकते हैं एड सीन हो गए। तो देखिए मैं ये देख चुका है लेकिन इसमें सीन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पहले कंप्लीट कर लूँगा, इसके बाद ही इसमें डैशबोर्ड में जाके इसको सीन ऑप्शन ले आऊँगा। ठीक है, तो फिर जो लास्ट एड मुझे मेरा चल रहा है ये एड देखने के बाद मेरा एड कम्प्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोगों को कंपनी तरफ से फास्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, और आप लोगों फ्रेंड का साथ दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे वीडियो लाइक बार लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड देखिए मैं सारा ऐड कम्प्लीट कर चुका है लेकिन इसमें क्लिक हेयर देखा रहा है, तो इसमें क्या करना है, तीन लाइन में जाना है, इसके बाद डैशबोर्ड में। ठीक है, डैशबोर्ड के जाने के बाद फिर से मैं ट्रैक्स में जाना है, ट्रैक्स डिटेल्स सी ट्रैक्स। तो देखिए फ्रेंड इसमें सारा ऐड मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख लीजिए मेरा 18 ऐड कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा ऐड इनकम भी मिल गया। तो इसे मैं डाकबुक में जा रहा है, उसमें पेंडिंग और नहीं आएगा। देखिए मैं इसमें पहला स्टेटस सब पेंडिंग, अभी स्टेटस है सीन, तो ऐड सीन हो गया, मेरा बैलेंस भी इसमें मिल गया, जैसे कि मेरा एडसन का जो बैलेंस है वो मिल चुका है। और सी टैग जो सेकंड ऑप्शन में है उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं आपका इस महीने का कितना इनकम हुआ है। ठीक है, तो फिर ऐसे करके आप लोग एड सीन करते रहिए और टीम को भी बढ़ाते रहिए और आप लोग टीम का भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।